चल दिए कि मत करो थोड़ी देर, तो हम समय दे दो, कभी कभी तो टाइम मिलता है। आज के इस जलसे के खुसूसी मेहमान जनाब के रहमान साहब, काबीना मंत्री अल्पसंख्यक मामला भारत सरकार, खेल एवं रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार जनाब जितेंद्र सिंह जी, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जनाब लिनोंग एरिंग साहब, अल्पसंख्यक सचिव ललित के पावा साहब, निदेशक जनाब जुफेल आजाद साहब, प्रमुख शासन सचिव जी एस संधु साहब, निदेशक महोदय अशफाक हुसैन साहब, जिला प्रमुख बैन साफिया खान, अलवर ग्रामीणपुर चिकित्सा मंत्री इमामुद्दीन उर्फ दुरमिया साहब, पूर्व अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली जी, सभी सम्मानीय मंच और दूर दराज से आए मेरे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, बुजुर्गवार और नौजवान साथियों, मैं ग्राम चांदौली के इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी मीडिया बंधु, आप समस्त ग्रामवासियों से गांव में पधारने के लिए, आप संख्या साइबर गांव, आज कभी हम जान नहीं देते, अल्पसंख्यक तो हम हैं लेकिन साइबर क्या चीज़ है कि हमारी नज़रों से बहुत दूर थी और हमारे बच्चों से बहुत दूर थी। आज हमारे के देश के अंदर पहला हमारा गांव होगा, एक ऐसा गांव पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज आपकी तारीख में चमकेगा, पूरा हिंदुस्तान जानेगा चांदौली कहाँ रहती है और उसमें कैसी स्कीम चलाई जा रही है। तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद है भंवर साहब के और जनाब ए के रहमान साहब के, जो हमारे जो इस गांव की अल्पसंख्यक सुधली, इसके बहुत बहुत आभारी हैं। बात कुछ और कहते हैं, कहते जल्दी प्रोग्राम खत्म करना है, हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ मेवात आंचल का ये क्षेत्र है, इस मेवात आंचल के क्षेत्र में मुस्लिम बहुसंख्यक अधिक हैं और उसमें शिक्षा की बहुत कमी है। एक हमारे यहाँ राज्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक प्राथमिक विद्यालय है, उसके साथ ही एक मेवात आवासीय विद्यालय है, वो केवल आठवीं तक ही है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो आठवीं कक्षा के पश्चात जो हमारे गांव के लोग हैं वो उनके जो माँ बाप हैं वो अनेक स्कूल में जाने से गुरेज करते हैं। मैं सामान्य मंच को गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी लड़कियों के लिए स्पेशली बारहवीं कक्षा की इसका क्रमोन्नत करके बारहवीं कक्षा तक किया जाए। और यही नहीं, जिले की 11 स्कूल हैं, उन सभी को इसी तरह तो उसमें मेवात में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, उसमें रुझान बढ़ेगा और लोगों अधिक शिक्षा होगी और वो अपने समाज में एक आदर्श जीवन जीवन की शैली पा सकेंगे। दूसरे जो स्कॉलरशिप जो छात्र हैं जो एससी और एसटी के तर्ज पर हमारे बच्चों को, अल्पसंख्यक के बच्चों को मिलनी चाहिए, तो उसका जो उसमें शर्त जो 50% शर्त है वो हटनी चाहिए। और हमारा मेवात विकास का 50% पैसा वो कम से कम हमारे मेवात के बच्चों की शिक्षा के बारे में खर्च हो, मैं ऐसा कोई प्रावधान किया जाए, मैं इसके लिए सामान्य मन से गुजारिश कर रहा हूँ। और बहुत कम समय आप सबका अपने आए नागरिक बंधु, सामान्य मंच और दूरदराज से आए सभी मेहमानों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्र करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद, जय भारत।